वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको मैं एक नया मोड ऑफ फंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो जनरली ये यहाँ का नहीं है, ये आया था यूएस यूके वहाँ का, ये इन्वेस्टिंग का एक टाइप है। बट अभी लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ये इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत एक अच्छा इनोवेटिव फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये एक रिसोर्स है। यहाँ पे से बहुत अच्छे से आपको लोन मिल सकता है। तो मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग, इसमें कैसे आपको किधर जाना है, कैसे करना है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके एडवांटेजेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग में आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके पहले मैं आपको पहले का बता दूं। अभी तक क्या होता था कि समझो आपके पास कोई आइडिया है और आपको फंडिंग चाहिए, तो बेसिकली तो फंडिंग के लिए आप जाओगे बैंक में लोन लेने के लिए, बट 10 बार आपको जाना पड़ेगा, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, इतना सारा आपको क्रेडिट रेटिंग करवाना होगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और आपको लोन मिलते मिलते अराउंड 1-2 महीने लग जाएंगे। प्लस इतने बार आपको जब बैंक जाना होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंटेशन इतना होगा कि स्ट्रेस भी आपको बहुत लेना पड़ेगा। और बहुत ही बहुत रेयर चांसेस में कोई स्टार्टअप को या कोई बिजनेस को लोन मिलती है, स्पेशली स्टार्टअप को बहुत मुश्किल होता है लोन मिलना। तो पहले ऐसा होता था, बट अभी जब से ये पीयर टू पीयर लेंडिंग आया तभी से ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो अभी इसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग में एक वेबसाइट होती है, वहां पे आपको जाना होता है, वहां पे लेंडर होता है, एक ऑन्टरप्रेनर होता है। लेंडर को आपको लेंडर एक ऑन्टरप्रेनर को ढूंढता है जिसको उसको फंड्स देना है, और उसके रिटर्न में आपको उसको इंटरेस्ट देना है। जैसे आप बैंक में देते थे, बैंक से आप 1 लाख रुपया लेते हो तो आप इंटरेस्ट रेट होता है कुछ 15 to 18%, तो वो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक में देना पड़ता है इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के बाद। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको किधर भी जाना नहीं है, यहाँ पे आपको घर पे ही बैठना है ऑनलाइन। अगर आप सर्च करोगे पीयर टू पीयर लेंडिंग इन इंडिया तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको ये सर्विसेज देती है। तो इसमें देखो आप क्या होता है कि एक लेंडर रहता है ऑनलाइन जिसने अपना प्रोफाइल बनाया होता है। जब भी आप प्रोफाइल बनाने जाओगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप लेंडर हो या बोरोवर। बोरोवर मतलब ऑन्टरप्रेनर जिसको फंड्स चाहिए। तो एक लेंडर होता है, एक ऑन्टरप्रेनर होता है। लेंडर ने अपना कैटेगरी सिलेक्ट किया होता है कि कौन से टाइप का स्टार्टअप को या कौन से टाइप के इंडिविजुअल को कितने अमाउंट का वो लोन दे सकता है और वो कितना इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहा है। और जो एंटरप्रेनर का प्रोफाइल होता है उसमें वो डालता है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए और आप कितना इंटरेस्ट रेट दे सकते हो। तो ये आपको वेबसाइट में डालना होता है, और जैसे आप ये डालते हो तो आपके आपका जो आपने डाला है डिटेल्स, वो हिसाब से जो जो लेंडर होते हैं जो आपको लोन दे सकते हैं, वो उसका आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। और ये प्रोसीजर बहुत ही फास्ट है, विद इन 4-5 डेज में आपको फंडिंग भी मिल सकती है। अगर आपका हिस्ट्री क्लीन है और अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको 4-5 डेज में फंडिंग भी मिल सकती है। तो ये एक सिंपल लाइन में बोलूं कि पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है कि एक वेबसाइट होता है, वहां पे आपको प्रोफाइल बनाना होता है, बैंक में नहीं जाना है लोन लेने के लिए, किधर भी नहीं जाना है, घर पे बैठना है, प्रोफाइल बनाना है आपका, बात वो वेबसाइट के थ्रू लेंडर से होगा, लेंडर मतलब जो आपको पैसा देगा, और आपको घर पे बैठ के ही उससे कम्युनिकेशन करना होगा। आप बार्गेन भी कर सकते हो, समझो आपका जो लेंडर है वो आपको बोलता है कि इंटरेस्ट रेट मुझे 25% चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैक्सिमम जो मेरे तरफ से वो 20 दे सकता हो। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, ये सब न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए ये वेबसाइट्स के थ्रू फाइनेंस करने के लिए स्टार्टअप्स को। तो इसमें आपको किधर जाना नहीं है, घर पे बैठना है, लेंडर से कम्युनिकेट करना है, बहुत ही फास्ट और बहुत ही एकदम सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको ये प्रोसीजर का यूज करना है तो आप गूगल पे जाओ, पीयर टू पीयर लेंडिंग इन इंडिया डालो, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आप अपना प्रोफाइल बना दो, प्रोफाइल बना के आपको जो अमाउंट ऑफ लोन चाहिए वो डाल दो, आप जितना इंटरेस्ट रेट रिटर्न में पे कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा वो लेंडर को, जितना आप मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपका क्राइटेरिया है वो वहां पे डालो। जैसे आप डालोगे तो आपको लिस्ट आएगी लेंडर्स की, फिर जिसको आपको अच्छा लगता है, जिसका आपको कोटेशन अच्छा लगता है, इंटरेस्ट रेट जिसका कम होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और वहां पे से आप और लेंडर कम्युनिकेट कर सकते हो। जब भी आपका डील फाइनल होगा तो जो वेबसाइट है वो बहुत छोटा सा फीस लेती है ये लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको। अभी आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया, अभी मैं इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे पहला इसका एडवांटेजेस है कि आपको ये जो प्रोसीजर है बहुत ही फास्ट होता है। अगर आपका क्लीन रिकॉर्ड है, अगर आपका प्रोफाइल आपने अच्छे से सेटअप किया है, रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो 3 to 4 डेज में आपका पूरा फिक्स हो जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ लोन आपको मिलने वाला है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा। प्लस सेकेंड एडवांटेज है कि आप इसमें बार्गेन भी कर सकते हो, जो लेंडर है वो बोलेगा 25% रेट
होगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि नहीं मैं 22 दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ। थर्ड, इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, बैंक के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो शायद बैंक से कम ना हो, बैंक जितना हो बट उससे शायद कम ना हो, बट बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बैंक के जैसा, और आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है बैंक जितना, तो इसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। और फोर्थ एडवांटेज है कि इसमें स्टार्टअप को प्रिफरेंस मिलते हैं, समझो आप स्टार्टअप, और अगर आप लिस्ट करवाते हो आपका प्रोफाइल उसमें और आप डालते हो कि स्टार्टअप हो, तो आपके प्रिफरेंस में ज्यादा ही आएंगे लेंडर, क्योंकि लेंडर ज्यादा प्रीफर करते हैं स्टार्टअप को लोन देना, तो इसके वजह से आप इसमें स्टार्टअप को प्रेफरेंस मिलता है। और पेपर वर्क भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको घर पे ही बैठना है, ये भी एडवांटेज है, किधर जाना नहीं है, तो इसमें एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। और ये इंडिया में रिसेंटली आया है, ये यूएस और यूके का फंडिंग सिस्टम है, टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है ये भी, जो बहुत ट्रेंड हो रहा है अभी रिसेंटली, तो इनकेस अगर आपको आपके स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए तो बैंक वैंक में, अगर आपको हो सके तो बैंक वैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है, और आप घर पे बैठ के ये कर सकते हो पीयर टू पीयर लेंडिंग का। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ गया हो कि एग्जैक्टली क्या होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग, उसके एडवांटेजेस भी मैंने बता दिया है, और भी अगर कुछ आपको डिटेल चाहिए या आपको कुछ वेबसाइट का भी नाम चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है, या आप खुद भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल से, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में कि कौन सी वेबसाइट्स है। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला या हेल्प मिली तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।